हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में जानेंगे अमावस्या के दिन जो स्त्री करेगी ये काम वो पाएगी सदा सुहागन रहने का वरदान। हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है अमावस्या की ये कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी करीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मण ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पहले ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के काम सारे आप ही करती है। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा जी के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया।
तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। अमावस्या के दिन दान पान, हल्दी सिंदूर, सुपारी, फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर अर्पित किया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दे देना चाहिए। अमावस्या के दिन जो सुहागन भंवरी करती है वह सदा सुहागन रहती है। पीपल के पेड़ में समस्त देवों का वास होता है। भंवरी करते समय श्री गणेश, माँ गौरी और सोना धोबिन का पूजन करने से सुहाग भाग अखंड रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन को सेट कर ले जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।